वेंटिलेशन कैसे लगाते हैं सो देखो, ठीक है। सपोज ये फॉर्म है अपना, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे अलग से ले लिया फॉर्म ऐड, ठीक है, वेब फॉर्म। यहाँ से ले लिया, कोई एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, एक बटन ले लिया, रन करा, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करो, बिना कुछ फील किए ये चल गया, है ना। बट ये बिना फील किए चलना नहीं चाहिए, एरर आना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे लगा दो एक रिक्वायर्ड फील वैलिडेटर। यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड फील वैलिडेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होगी सेट, देखो। एक तो ये यहाँ पे लगेगा वैलिडेट टू करके, ठीक है ना। वैलिडेट टू है ना, किधर है। क्या बोल रहे हो, वैलिडेट टू करके प्रॉपर्टी आएगी, ये रहा कंट्रोल टू वैलिडेट, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स वन पे काम करेगा, हाँ, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ आएगा वो यहाँ पे इसमें आकर सेट कर दोगे। इसमें चाहिए स्टार, और जितने भी वैल्यूएशंस होंगे ना उनकी समरी एक साथ आएगा। मान लिया सबसे ऊपर में सारे के सारे वैल्यूएशन समरी एक जगह पे चाहिए, इसको ऊपर ले लो। अब इसमें जो दिखेगा उसके लिए यहाँ पे एरर जो होता है मैसेज उसमें अपन डालते हैं, एरर मैसेज। ठीक है ना। और ईमेल के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे ले लेंगे एक और ईमेल, वो देखते हैं वैलिडेशन समरी रिक्वायर फील वैलिडेटर रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ये वाला। फिर इसका भी वही कंट्रोल टू वैलिडेट, इसके लिए काम करेगा वन के लिए,
और एक्सप्रेशन यहाँ पे देंगे डाल, है ना, वैलिडेशन एक्सप्रेशंस में जाकर के यहाँ से ले लेंगे ईमेल वाला फॉर्मेट, ये बस। फिर यहाँ भी लिख देंगे मैसेज में, कुछ भी दे दिया कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका रंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि जब ये आवे तो ऐसा दिखे। साइज नेम है ना, बोल्ड ऑन कर दिया इसका। फॉर जो रंग है ये वाला, है ना, फॉर कलर, ये भी रेड कर देते हैं। इसका भी फॉर कलर रेड कर दो, ये ऐसा कर दो, है ना, ठीक है। ऐसे मान लिया पासवर्ड का एक और बॉक्स ले लिया, ठीक है। इसमें भी जो जो लेना हो वो ले लेंगे, और तो पासवर्ड वाले में फिलहाल यहाँ ले लेते हैं रेंज वैलिडेटर, है ना। ठीक है, रेंज में एक तो यहाँ पे इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है ना, ठीक। इसमें भी वो रेगुलर एक्सप्रेशंस वो क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। रेंज तो इसमें वैसा नहीं आएगा, ये रेंज जो होता है वो उसके लिए होता है, न्यूमेरिक के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है पासवर्ड में, एक तो रिक्वायर्ड डाल सकते हैं तभी। इसमें बस फिलहाल ऐसा लेते हैं का एक रेगुलर सेशंस यहाँ पे लो तो देखो। हाँ, रेगुलर सेशंस में पासवर्ड का है क्या कोई, देख लो। रेगुलर एक्सप्रेशन पासवर्ड का होगा तो वो डाल देना, नंबर, पोस्टल, ईमेल, फोन नंबर, पोस्टल, फोन नंबर, जिप। पासवर्ड का रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ नहीं है, रहने दो, बाद में बाहर से कोड से कर देंगे। अभी तो बस यहाँ पे ऐसा लो कर कि क्या था, वैलिडेशन है ना, ये ले लो यहाँ पे आ गया। क्या नाम था ये, कंपेयर वैलिडेटर, दोनों की वैल्यू होनी चाहिए सेम, इसका और री एंटर पासवर्ड वाला। ये पासवर्ड हो गया मान लिया, रिकॉर्ड यहाँ ले लेंगे री एंटर पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। दोनों की वैल्यू होनी चाहिए सेम, तो यहाँ पे ले लो कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स टू, और ये क्या कंपेयर किसके करेगा, टेक्स्ट बॉक्स थर्ड के साथ में। मैसेज क्या आएगा, ठीक है। मैसेज में डाल दो यहाँ पे, ठीक पासवर्ड एंड री एंटर
पासवर्ड मस्ट बी सेम। पासवर्ड नॉट मैच। और वो एरर मैसेज के अंदर में लिख दो। एरर मैसेज कहाँ पे है? यहाँ पे चीज लिख दो। अब रन करो इसको। इसके लिए ये वाला कोड लिखना पड़ता है ना, तो ये वाली चीज उठा करके नेट पे डाल दो एक बार, तो वहां पे बना हुआ कोड मिल जाएगा। वो वाला लाके उठा के यहाँ डाल दो, ये वाली लाइन। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर में यहाँ पे वेब डॉट ये कॉन्फ़िग के अंदर। हाँ रन कर लो। जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड करने का। ठीक है, रन किया, देखो आ गया रिक्वायर्ड वाला है ना। हाँ रिक्वायर्ड में चलो भर दिया। देखो बोल रहा है इस फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, पासवर्ड में लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी। देखो मैच नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे लिख दिया ए, हो गया ना, समझ में आया। हाँ ऐसे अपन लगा सकते हैं वैलिडेशंस। क्लियर है? है ना, बस यही है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन एमवीसी। ठीक है, क्लियर है।